नमस्कार, मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम हमेशा आपको जानकारी दिलवाते हैं एक नए विषय पर एक्सपर्ट से। इसी क्रम में आज का विषय हमने लिया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। ये योजना क्या है, इस योजना के अंतर्गत किन किन बीमारियों का इलाज किया जाएगा, कौन लोग इसका लाभ उठा सकते हैं और लाभ उठाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी है। जी हाँ, इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे अपने आज के इस कार्यक्रम में एक्सपर्ट से। आज के विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन करने के लिए जल्दी से कागज और कलम उठाइए, फोन नंबर्स नोट कीजिए। फोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 0522-220-5756, दूसरा नंबर 0522-228-8698, एक नंबर और नोट कीजिए 0522-407-6802 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-5233। फोन आप जरूर करें, लेकिन फोन करने से पहले टीवी सेट की आवाज को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं मिसेस संगीता सिंह, आप सीईओ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। मैम, वेलकम टू अवर शो। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज स्टूडियो में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से कुछ पार्टिसिपेंट्स तशरीफ लाए हैं जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, एक्सपर्ट से सवाल पूछेंगे और मालूमात हासिल करेंगे। आप सभी लोगों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगी, अगर आप लोगों के मन में भी कोई सवाल आए, कोई जिज्ञासा, तो आप एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं और मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो बस शुरू करते हैं हम अपना आज का ये प्रोग्राम। मैम, ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है, तो जाहिर सी बात है कि कॉलर्स के फोन आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये आज का हमारा खास विषय है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है। देखिए, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम इसको कहा जा रहा है जी। और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की जी। इसमें जो बेनिफिशियरी फैमिलीज हैं उनको एक वर्ष के लिए 5 लाख का हेल्थ कवर पूरी फैमिली को मिलता है, मतलब 5 लाख तक का इलाज वो पूरा परिवार किसी भी निजी और सरकारी जो भी चिकित्सालय आबद्ध हैं इस योजना के अंतर्गत, उसमें वो पूरे वर्ष के लिए 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं। और इस योजना में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि न ही सिर्फ प्राइमरी केयर बल्कि सेकेंडरी और टर्शरी केयर, मतलब असाध्य गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर, हृदय रोग, किडनी रिप्लेसमेंट तक की इसमें सुविधा है। अच्छा। तो इसलिए ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि जब गरीब परिवारों को में कोई बीमारी आती है तो उनकी कमर टूट जाती है और वो बीमारी गरीबी के गर्त में गिरते चले जाते हैं, तो उनको उस लेवल तक ना वो जाएं, उनको इस तरह का संबल प्रदान हो, उसके लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया। मैम, पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो। हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं और सवाल पूछिए। हाँ मैडम जी, नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार मैडम जी, हम बलिया जिला से बोल रहे हैं जी। हम रहने वाले तो हैं बलिया जिला के मैडम जी, हमारा नाम शत्रुघ्न है जी। हम काम करते हैं जो है कि दिल्ली में। ओके। जैसे कि इस योजना के बारे में हम सुने थे, तो हम ही जानना चाहते हैं कि मान लीजिए हम तो काम करते हैं दिल्ली में, तो क्या हम अगर हम वहाँ बीमार पड़ते हैं तो क्या हम वहाँ इलाज ले सकते हैं, बताइए। हाँ शत्रुघ्न जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इस योजना की सबसे खास बात यही है कि ये योजना में पोर्टेबिलिटी लागू है, मतलब एक प्रदेश का व्यक्ति दूसरे प्रदेश में भी इलाज करा सकता है। और ये सुखद विषय है कि एम्स जैसा इंस्टीट्यूट भी इस योजना के साथ जुड़ चुका है। और आपको ये सुनकर आश्चर्य और प्रसन्नता होगी कि उत्तर प्रदेश से लगभग 9 से 10 पेशेंट्स आज की डेट में इस योजना के प्रारंभ होने के बाद एम्स में इसका लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो ईश्वर न करे आप बीमार पड़े, पर यदि आपको कोई दिक्कत होती है और आप इसके पात्र हैं, तो आप आराम से दिल्ली में इससे इलाज करा सकते हैं, उस चिकित्सालय में जो इस योजना के अंतर्गत आबद्ध है। शत्रुघ्न सिन्हा जी, हम समझते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। मैं अगला सवाल मेरा यह है कि किन लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकता है, क्या कोई खास क्राइटेरिया है? देखिए, खास क्राइटेरिया ये है कि 2011 में एक जनगणना हुई थी जिसको हम
सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना कहा गया है और उसके अंतर्गत कुछ लोगों को इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के आधार पर चिन्हांकित किया गया था। क्राइटेरिया सिंपल थे, बस गरीबी के आधार पर लोगों को मान लीजिए कि चिन्हित किया गया था, जिनके सर पर पक्की छत नहीं थी या जिनके यहाँ कोई अडल्ट मेंबर नहीं था जो कि इस योजना में जो कि उसको संभाल सकता हो, या जिसके पास यदि कोई अच्छे साधन है जैसे मोटरसाइकिल है या गाड़ी है तो वो इससे हटा दिए गए, परंतु यदि वो गरीब हैं और उनके पास कोई साधन नहीं है अपनी जिंदगी निर्वाह करने का तो उनको एक्सक्लूजन इंक्लूजन क्राइटेरिया के आधार पर इस योजना से चिन्हित किया गया और इस प्रकार उत्तर प्रदेश में 1.18 करोड़ लोगों को इसके साथ जोड़ा गया है। मतलब 1.18 परिवार करोड़ परिवार मानिए तो लगभग 6 से 7 करोड़ लोग इस योजना में उत्तर प्रदेश में जुड़े हैं जो कि इस परिवार के अंतर्गत चिन्हांकित हैं और वो इस योजना के लाभार्थी हैं। जी एक फोन और आ रहा है हमारे पास। हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका, जल्दी से सवाल पूछिए। मैडम क्या चिकित्सीय परामर्श हेतु किसी अस्पताल में जाने पर आयुष्मान भारत वाले हमको कोई धनराशि दे होगी या पैसा देना पड़ेगा? हमारे पास आयुष्मान का कार्ड बना हुआ है। देखिए अगर आप किसी अस्पताल में जाते हैं, एक तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये योजना यदि आपको उस अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता होती है, कोई ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एक दिन के लिए या उससे ज्यादा दिन के लिए आपको उसमें भर्ती करना है, तो उस भर्ती करने के दौरान चिकित्सीय परामर्श में जो व्यय आपके आपकी धनराशि जो होगी वो धनराशि आपको नहीं पे करनी पड़ेगी, वो चिकित्सक अपने जो चिकित्सालय है वो अपने पास से उसका वहन करेगा। लेकिन अगर आप भर्ती नहीं होते हैं, अगर आपका ओपीडी प्रोसीजर है, आप खाली गए चिकित्सीय परामर्श आपने प्राप्त किया, परंतु यदि आपके पास गोल्डन कार्ड है जैसा आप कह रहे हैं तो आपको चिकित्सीय परामर्श के लिए कोई धनराशि देने की आवश्यकता नहीं है। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैम जैसा कि मैंने कार्यक्रम के शुरू में कहा था कि कुछ पार्टिसिपेंट्स भी आए हुए हैं, वो भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। श्वेता जी मैं सबसे पहले आपको दावा दे रही हूँ क्योंकि आप बहुत दूर से तशरीफ लाई हैं, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैम। मैम हमारा सवाल आपसे ये है, क्या इस योजना का लाभ लेने के लिए हमें अपने पास से कुछ पैसे जमा करने पड़ते हैं या कार्ड से ही काम चल जाता है? श्वेता आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, ये हम लोग स्पष्ट भी करना चाहते हैं क्योंकि कई तरह की इस तरह की वेबसाइट्स आज की डेट में व्हाट्सएप वगैरह पे देखने को मिल रही हैं जिसमें लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि इस योजना से जुड़ने के लिए आपको इसमें अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होगा या कोई प्रीमियम धनराशि देनी होगी। ये बात हम लोग स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोई भी प्रीमियम धनराशि या किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन इस योजना के अंतर्गत अनुमान्य नहीं है। आपको कोई पैसा नहीं देना है इस योजना से जुड़ने के लिए। जैसा मैंने कहा, जो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 की हुई थी, अगर उस दौरान आप चिन्हांकित हुए थे इसमें लाभार्थी समूह में तो फिर आप इसके लाभार्थी हैं। आपके चिकित्सा का सारा वहन, जो भी आप प्रोसीजर्स कराएंगे अस्पताल में, वो सरकार वहन करेगी और अस्पताल को सरकार उनका पैसा लौटाएगी, आपको एक पैसा भी उसमें खर्च नहीं करना। श्वेता जी हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। और इस वक्त एक कॉलर लाइन पे है। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में, प्लीज अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। मैडम मेरा नाम प्रियंका है जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये योजना कब से शुरू होगी और इसका लाभ किन किन अस्पतालों में हम पा सकेंगे, ये कैसे पता लगेगा? बताइए मैम। प्रियंका ये योजना ऑलरेडी प्रारंभ हो चुकी है, इसी वर्ष के 23 सितंबर को इस योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने झारखंड में किया था और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका शुभारंभ किया जा चुका है। ये योजना इसलिए ऑलरेडी ऑन है और ये अगले वर्ष 22 सितंबर तक इसका कवरेज पीरियड है। जो चिकित्सालय इसके अंतर्गत आबद्ध है उन चिकित्सालयों में आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि ये चिकित्सालय आपको पता कैसे चलेंगे कि कौन से चिकित्सालय आबद्ध हैं, तो उसके लिए आपके जनपद में हम लोगों ने होर्डिंग्स की व्यवस्था कराई है। आपके जनपदों में होर्डिंग्स के ऊपर जो भी आपके आबद्ध चिकित्सालय हैं सरकारी या निजी उनके नाम इंगित हैं, आप उससे जानकारी कर सकते हैं। या अगर और अदर जानकारी की आवश्यकता है, आपको प्रोसीजर वाइज जानकारी चाहिए, सपोज कैंसर का या हार्ट का ट्रीटमेंट किस अस्पताल में होगा इस प्रदेश इस शहर में, तो हमारी वेबसाइट है sachis.in sachis.in, उस पर जाएंगे तो हमने वहां पर एक फैसिलिटी दी हुई है। आप उसमें जिले का नाम डालेंगे और अपने प्रोसीजर का नाम डालेंगे, बीमारी का नाम डालेंगे, तो वो अस्पताल आपको समझ में आ जाएंगे जो कि उस शहर में या उस जनपद में उस चिकित्सा पद्धति के लिए आबद्ध किए गए हैं, तो वहां पे आप आराम से जाके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रियंका जी थैंक्स फॉर कॉलिंग। सुधीर जी आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मैम कि इस योजना का लाभ परिवार में एक व्यक्ति को मिलेगा या पूरे परिवार को?
नहीं सुधीर जी, ये इसमें जो लाभार्थी समूह है वो परिवार है, जो इकाई है वो परिवार है। तो ये 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज जो है ये पूरे परिवार के लिए अनुमान्य है, एक व्यक्ति के लिए नहीं है। और इसमें अच्छी बात यह है कि परिवार का मतलब नवजनित जो बच्चा है या नई ब्याहता बहू है वो भी है। जैसे 2011 में आपका परिवार का नाम जुड़ गया, लेकिन उसके बाद आपके परिवार में कोई नई वधू ब्याह करके आई या कोई नया बच्चा पैदा हुआ, या आज भी अगर कोई बच्चा किसी के पैदा होता है तो वो भी इसका भाग माना जाएगा, उसको भी इसके अंतर्गत लाभ मिल जाएगा। नंदस्वरूप मिश्रा जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? हम जानना ये चाहते हैं कि ये जो ये इस योजना का जो लाभ है ये खाली उत्तर प्रदेश के लिए है कि अन्य प्रदेशों में मिलेगा, क्योंकि कुछ घुमत्तू परिवार होते हैं, आज तो यहाँ है कल वहाँ है परसों वहाँ है, तो वो इस योजना का किस प्रकार से लाभ प्राप्त करेंगे? देखिए, इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा सम्मिलित रूप से ये योजना चलाई जा रही है। भारत सरकार से आज की डेट में 32 ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने MOU किया है, तो जो ये प्रदेश हैं उनके अंतर्गत जो भी आबद्ध चिकित्सालय हैं उसमें कोई परिवार, जैसे अभी प्रश्न भी आया था फोन पर कि वो अगर उत्तर प्रदेश का व्यक्ति बाहर बिहार में या किसी अन्य प्रदेश में जाता है, साउथ का व्यक्ति नॉर्थ में या नॉर्थ का व्यक्ति साउथ जाता है, तो जो प्रदेश है जिन्होंने ये MOU साइन किया है वो उसका लाभ वहां उस प्रदेश में भी जा सकते हैं। परंतु रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपने प्रदेश में एक बार आकर ये गोल्डन कार्ड आपको जनरेट कराना पड़ेगा। जब गोल्डन कार्ड आपका जनरेट हो जाएगा तो उसके बाद आप फिर कहीं भी जाएंगे, क्योंकि डेटाबेस में आपका नाम इंक्लूड हो चुका होगा। मैम, एक फोन आ रहा है मैनपुरी से, विक्रम सिंह। हेलो हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मुझे जानकारी करनी है कि मेरा नाम इस योजना के अंतर्गत है कि नहीं, तो कैसे पता चलेगा? बहुत अच्छा सवाल है, बताइए मैम। इसके लिए 2-3 तरीके हैं। एक तो आपके जनपद में शीघ्र ही माननीय प्रधानमंत्री जी के हस्ताक्षर के पत्र प्रत्येक बेनिफिशियरी परिवार को उपलब्ध कराए जाएंगे। तो जिस बेनिफिशियरी परिवार को ये पत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो इस योजना के अंतर्गत पात्र है। उस पत्र में जो हाउसहोल्ड का हेड है, हेड ऑफ द फैमिली के साथ परिवार के अन्य सदस्यों का नाम भी इंगित है, तो इस प्रकार से आपको जानकारी हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि आप जब अस्पताल में किसी प्रकार का इलाज कराने के लिए जाते हैं तो जो वहां पे आयुष्मान भारत का जो कियोस्क है, जो जगह चिन्हित की गई है ये लाभ पहुंचाने के लिए, आप वहां जाएं। और ये ध्यान रखें कि जब आप जाएं तो आपको एक इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन और एक परिवार के सदस्य के रूप में अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई एक रिकॉर्ड साथ में ले जाना पड़ेगा। तो अच्छा होगा कि इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन के लिए आप आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या सरकार द्वारा प्रदत्त कोई भी अन्य प्रमाण पत्र अपने साथ ले जाए, जिससे आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी सिद्ध हो जाए। और परिवार के सदस्य के रूप में, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया ये परिवार से संबंधित योजना है, तो परिवार के भाग आप हैं, इसके लिए राशन कार्ड या परिवार रजिस्टर की नकल इत्यादि आप ले जा सकते हैं। उसको आप ले जाएंगे, वहां जो आरोग्य मित्र हमारे बैठे होंगे उनको आप ये जब देंगे वो आपका डेटा में इसे सर्च करेंगे। एक तीसरा जो कि भारत सरकार ने चालू किया है वो है, एक वेबसाइट है, आप चाहें तो उसे नोट कर लें, meraPMJ.up.gov.in। meraPMJAY.gov.in। जब इस वेबसाइट पे आप लॉगिन करेंगे तो वो आपसे एक फोन नंबर मांगेगा, आप उसमें कोई भी जानकारी का फोन नंबर दे देंगे। जो फोन नंबर होगा उस पर एक OTP का नंबर आएगा, वो OTP नंबर जब आप डालेंगे तो फिर विभिन्न प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके जनपद का नाम, आपके ब्लॉक का नाम, आपके गांव का नाम, और धीरे धीरे करके वो आपके परिवार के समीप और समीप आता जाएगा डेटा जो है, और अंत में आपको चिन्हांकित कर लेगा, उससे आपको जानकारी हो जाएगी और आपका गोल्डन कार्ड जनरेट हो जाएगा। बिल्कुल, थैंक्स फॉर कॉलिंग। और मिशन हेल्थ का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी एक्सपर्ट श्रीमती संगीता सिंह। मैम, अगला मेरा सवाल आपसे ये है, लेकिन मैं अपना सवाल बाद में पूछूंगी, एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, राहुल जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं सुल्तानपुर से बोल रहा हूँ जी, क्या जानना चाहते हैं? जी हमको ये जानकारी चाहिए थी कि जैसे इसमें अस्पताल में हम मान लीजिए भर्ती होते हैं जी, तो वहाँ पे जो जांच वगैरह होगी, एक्सरे होगा, दवा होगा जी, ये सब पैसा हमें खुद देना पड़ेगा या इसके लिए सरकार हमें पैसा देगी? बिल्कुल बताइए। नहीं, ये योजना जो है इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जो आपके काम के दौरान, आपके इलाज के दौरान जो भी कुछ खर्चा हो रहा है, मतलब जांच से लेकर
आपके एनेस्थेटिस्ट का जो खर्चा है, आपके सर्जन का जो खर्चा है और बीमारियों का जो भी खर्चा है वो सारा अस्पताल बेयर कर रहा है। जो पैकेज फाइनली फिर गवर्नमेंट उसको पैसे देती है वो उसमें सम्मिलित है ये सारा इलाज। तो जब आप इलाज के दौरान भर्ती हैं आपको कोई इसमें पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। इलाज आपका खत्म हो जाता है, आप अस्पताल छोड़ के चले जाते हैं, उसके 15 दिन तक की दवा, इवन इलाज खत्म होने के बाद, अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी 15 दिन की दवाओं का खर्च भी और दवाएं आपको वही अस्पताल प्रोवाइड करेगा। राहुल जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग। मैम, अपना सवाल मैं कंटिन्यू रखना चाहूंगी कि आपने जैसा कि शुरू में बताया कि कई रोगों का इलाज होता है, जैसे आपने कैंसर का जिक्र किया, इसके अलावा भी क्या और बीमारियों का इलाज इसके अंतर्गत होता है? देखिए, इस पूरी योजना में लगभग 1350 प्रोसीजर सम्मिलित हैं जी, और सिंपल बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू से लेकर हृदय रोग, कैंसर तक का इलाज होता है। अच्छा। तो एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ, आप कुछ भी सोच सकते हैं। हृदय रोग, अभी हम लोगों ने हृदय में जो छेद होता है बच्चों के, अभी एक 10 साल की बच्ची का इलाज हुआ है, तो इस तरह के ट्रीटमेंट्स भी हुए हैं, किडनी ट्रांसप्लांट से लेकर और इवन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जैसे जो एसिड विक्टिम्स हैं लड़कियां जिनके ऊपर एसिड डाल दिया जाता है, उनके चेहरा या शक्ल डिसफिगर हो जाती है, उनके रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी इसके अंतर्गत अनुमन्य है। किसी का हाथ खराब हो गया या उसके डिसफिगर हो गए, उसकी उंगली दोबारा बनानी है, तो ये सर्जरीज भी इसमें इंक्लूडेड है। अच्छा। तो हृदय रोग, कैंसर, इवन बहुत बड़े बड़े उपचार इसके अंतर्गत शामिल है। ओके ओके। नीतू जी, आप क्या पूछना चाहती हैं? जैसा कि आपने बताया, योजना में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त दिया जाता है, तो ये 5 लाख का इलाज एक वर्ष के लिए है, जिंदगी भर के लिए? मैम, जिंदगी भर के लिए नहीं है, ये हेल्थ कवरेज एक वर्ष के लिए है। एक वर्ष में 5 लाख तक की सीमा तक का इलाज आपको मिलेगा, वो उससे कम भी हो सकता है पर 5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता, एक वर्ष के लिए अनुमान्य है। फिर जब ये स्कीम रिन्यू होगी अगले वर्ष तो फिर ये 5 लाख फिर से इंक्लूड हो जाएंगे उसमें। शारदा जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम, मेरा नाम शारदा है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ये जो कैशलेस कार्ड है वे सरकार बनवा के देगी या हमें बनवाना होगा? इसके दो तरीके हैं कैशलेस कार्ड, एक तो ये कैशलेस कार्ड नहीं है कोई, ये एक सिंपल सा ई कार्ड है जिसको हम गोल्डन कार्ड कह रहे हैं, वो एक गोल्डन रिकॉर्ड का जनरेशन है, तो कोई कार्ड नहीं है जैसे पिछली योजनाओं में आप एक स्मार्ट कार्ड लेके जाते थे, इस प्रकार का कोई कार्ड नहीं है। आप जब अस्पताल में जाएंगे तो निशुल्क आपको ये कार्ड, जो ई कार्ड है, ये आप बनवा सकते हैं, और 30 रुपए का भुगतान करने के बाद जल्दी ही हम लोग एक स्कीम चालू कर रहे हैं जिसमें जो कॉमन सर्विस सेंटर्स, जनसेवा केंद्र होते हैं, उनके माध्यम से भी आप अपने इक्विपमेंट्स, अपने जो भी दस्तावेज हैं वो ले जाएंगे, और 30 रुपए देने के बाद आपको ये लैमिनेटेड कार्ड जनसेवा केंद्र से भी प्रदान किया जा सकता है। मैम, बिहार से एक फोन आ रहा है टीकानंद जी का। हेलो। हेलो। हाँ सर जी, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपने पिताजी का इलाज कराना चाहते हैं आयुष्मान कार्ड से, लेकिन मैं मेरे नाम से बना हुआ आयुष्मान कार्ड। ओके, बताइए। आपके पिताजी से आपको संबंध स्थापित करना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा। आपका कार्ड तो इंडिविजुअल कार्ड होगा, लेकिन जो हाउसहोल्ड के हेड हैं वो आपके पिताजी होंगे। राशन कार्ड अगर आपके पिताजी के नाम से है या आप संबंध स्थापित कर देते हैं कि पिताजी मेरे परिवार का सदस्य हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा, परिवार रजिस्टर की नकल या राशन कार्ड लेकर आप संबंधित चिकित्सालय में चले जाइए, आपको ये लाभ वहां प्राप्त हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर कार्ड आपके नाम से ही, क्योंकि ये गोल्डन कार्ड जो है ये इंडिविजुअल का बनता है, परंतु जो बेनिफिशियरी डेटा है वो परिवार से संबंधित है, तो पूरा परिवार इसके अंतर्गत शामिल है, आपके पिताजी का आराम से इसमें इलाज हो जाएगा। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी, आप क्या पूछना चाहेंगे, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। यदि परिवार किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और लड़की के ब्याह हो जाने के कारण उसकी मौत हो जाए, क्या उसका नाम हटवा देना चाहिए? जी, ये बताइए। मैं मृत्यु की स्थिति में आपको कटवाना नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई है तो अब वो अवेल तो नहीं कर पाएगा इस योजना को, परंतु अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है तो वो अपने मायके की तरफ से इसका लाभ नहीं ले सकती, परंतु अपने ससुराल के परिवार की तरफ से वो इसका लाभ ले सकती है, क्योंकि अब वो अपने ससुराल का हिस्सा है, तो उस परिवार की तरफ से वो इसका लाभ ले सकती है। जी, दिव्य प्रकाश जी, आपका क्या क्वेश्चन है? नमस्ते मैम। मैम, मेरा है कि इस योजना के जो भी लाभार्थी होंगे मैम, क्या उनकी दवाइयां जो भी हैं मैम, अस्पताल में इलाज के दौरान ही मिलेंगी या उसके बाद भी मिलेंगी? बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने अभी बताया था, इलाज के दौरान तो आपको मिलेंगी ही निःशुल्क दवाइयां, जो भी ट्रीटमेंट्स होंगे वो निःशुल्क होंगे, और एक बार आप अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाते हैं तो 15 दिन की दवाएं आपको अस्पताल फ्री में देगा। अगर मैम, अगर मुझे रिन्यूअल करवाना है अपने आप को उसी दवाइयों के लिए, तो फिर उसके लिए मैम क्या करना? 15 दिन तक का प्रोविजन है, उसके बाद जब आप दोबारा भर्ती होंगे तो एक नया पैकेज बुक होगा और फिर आपको उसका दोबारा लाभ मिल जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। धन्यवाद। बाराबंकी से मैम एक फोन आ रहा है हमारे पास। हेलो।
जी मैडम, मेरा नाम मनु वाल्मीकि है, मैं बाराबंकी से बात कर रहा हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछे सवाल। जी जी मैडम, ये बताइए, जैसे अस्पताल में हम जाते हैं और हमको लाभ अगर लेना है तो आयुष्मान भारत योजना का, तो हमको किससे मिलना पड़ेगा वहाँ पे बताइए मैम। जैसे ही आप अस्पताल में जाएंगे मनु जी, आपको सामने एक आयुष्मान भारत का कियोस्क दिखेगा। आपको उस अस्पताल में जाना है जो कि इस योजना के अंतर्गत आबद्ध है। सामने आपको एक कियोस्क दिखेगा जिस पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लोगो होगा। उसमें आप जाएंगे, वहां पे आरोग्य मित्र होंगे। ये प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र ये योजना की हैंड होल्डिंग के लिए हैं। ये पेशेंट के वेलबींग और उसके इलाज की जिम्मेदारी उनके पूरी इनके पास है। जैसे आप जाएंगे, गोल्डन कार्ड आपका यही जनरेट करके आपको देंगे और फिर पूरे चिकित्सा के पीरियड के दौरान ये आपके हैंड होल्डिंग करेंगे, देखेंगे कि आपका इलाज प्रॉपरली हो रहा है या कहीं, डॉक्टर से मिलवाएंगे, ट्रीटमेंट लेके आपका पैकेज बुक करेंगे। तो आपको आरोग्य मित्र से मिलना होगा जैसे ही आप अस्पताल में जाते हैं। जी हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा और फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमती संगीता सिंह। मैम, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि मान लीजिए कि कोई और ज्यादा इसके बारे में जानकारी लेना चाहता है तो क्या इसकी कोई वेबसाइट है या कोई फोन नंबर? आप एक तो मैंने शुरू में बताया, हमारी वेबसाइट है sachis.in, sachis.in। इस पर विस्तार से पूरी जानकारी योजना के बारे में है और आप इस पे जो भी आपको चाहिए अस्पतालों के बारे में जानकारी कर सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कॉल सेंटर है जिसका नंबर है 14555। इस पर आप कर सकते हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश में हमारी जो साचीज है, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस योजना को देख रहा है, उसका भी कॉल सेंटर नंबर है 1800-1800-4444। तो इस पर ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, क्योंकि अभी ये फुल टाइम नहीं हुआ है, अभी हमारा टेंडर ओपन हो रहा है, तो ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स 9:30 से 6 बजे तक ही ऑपरेशनल है। इस दौरान इस पर किसी भी समय आप फोन करके अपने बारे में जानकारी जी। एक कॉलर लाइन पे है, वो कुछ जानना चाहते हैं। हेलो 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 मैम, फोन जो है डिस्कनेक्ट हो गया है। हेलो जी, विनोद जी। जी जी विनोद जी, आप भी आए हुए हैं स्टूडियो में, मैं चाहूंगी कि आप अपना सवाल जरूर पूछिए। मैम, कार्ड खो जाने की स्थिति में क्या करना होगा? मैम, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर देखा जाता है कार्ड खो गया बाय चांस, ऐसी सूरत में क्या? देखिए, कार्ड खोने की स्थिति में आपको दोबारा कार्ड की बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये कोई ऐसा स्मार्ट कार्ड या प्लास्टिक कार्ड नहीं है जो आपको कैरी करना है। इस कार्ड के माध्यम से आपका एक गोल्डन कार्ड, गोल्डन रिकॉर्ड जनरेट हो रहा है जो कि सिस्टम कैप्चर करके सेव कर ले रहा है। तो अगर आपका कार्ड खो भी जाए तो आपको, अगर हाउस होल्ड आईडी भी अपनी याद है या कि आपके जो डिटेल्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे, आप दोबारा उन्हीं जगहों पर अस्पताल में या कॉमन सर्विस सेंटर जाकर आप अपने डिटेल्स वहां पे देंगे या अपना बायोमेट्रिक डिटेल्स देंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम पिकअप कर लेगा आपका, दोबारा आपको कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं। विनोद मेहरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सवाल पूछने के लिए। मैम, अक्सर लोग ये शिकवा कर रहे हैं कि भाई हम वेबसाइट पे डालते हैं तो उसमें हमसे पैसा मांगा जा रहा है, क्या इस तरह का भी कोई प्रोविजन है या कहां पे? अच्छा आपने बताया, एक्चुअली ये बात हम लोग को स्पष्ट करनी है। हम लोगों ने इसके डिस्क्लेमर भी अपने वेबसाइट पे दिए हुए हैं। ऐसा देखने में आ रहा है कि व्हाट्सएप, क्योंकि आजकल बड़ा प्रचलित सोशल मीडिया का माध्यम है, उसके माध्यम से बहुत सारे लोग इस तरह की फेक साइट्स, वेबसाइट्स बना रहे हैं। अच्छा। जिसमें वो या तो ये कहते हैं कि आप आरोग्य मित्र कैसे बने, इसके लिए आप हमारे यहाँ अप्लाई करें। तो ये स्पष्ट किया जा रहा है कि आरोग्य मित्र जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल उनको खुद एम्प्लॉय करता है, और जो सरकारी चिकित्सालय है उसमें आरोग्य मित्र वही अस्पताल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भर्ती करता है आउटसोर्सिंग के माध्यम से। तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं होना है या आपको कोई अप्लाई नहीं करना है, कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, ना तो आरोग्य मित्र बनने के लिए ना ही इस योजना का लाभार्थी बनने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। ये सारी फिशिंग साइट्स हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। ना तो ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड करिए और ना ही इनमें अपना कोई डिटेल दीजिए, और इससे सावधान रहिए। मैं फिर से स्पष्ट कर रही हूँ कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ना तो आपको कहीं पे कोई रजिस्ट्रेशन कराना है, ना ही कोई प्रीमियम देना है, और ना ही अगर आपको कोई कहे कि आरोग्य मित्र बनाने के लिए इतनी फीस है, वो भी आपको कहीं नहीं देनी। ये चीज आपने बहुत ही अच्छी क्लियर कर दी है, क्योंकि इससे देख रहे थे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, काफी दर्शक हमसे ये बात कह रहे थे। हम चाहेंगे कि कार्यक्रम के आखिर में आपको इम्पोर्टेंट टिप हो वो जरूर बता दीजिए। इम्पोर्टेंट टिप एक तो यही है जो आपने कहा, बहुत अच्छी बात,
कि जो भी फेक मैसेजेस हैं उनसे सावधान रहिए। ये योजना अत्यंत लाभकारी है, आपके लिए है। और ये सोचिए कि सरकार 5 लाख तक के चिकित्सा व्यय को फ्री में आपको उपलब्ध करा रही है, अपनी तरफ से पैसा वो प्रोवाइड कर रही है, तो इसका भरपूर लाभ उठाइए। और गलत मैसेजेस के चक्कर में पड़ के योजना को बदनाम लोग करने का प्रयास करते हैं, वो कतई ना होने दें। हम लोग भी लगातार लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, वर्कशॉप्स कर रहे हैं, योजना के चीजों के बारे में बता रहे हैं। जिलाधिकारी और सीएमओज हमारे निरंतर इसमें प्रयासरत रह रहे हैं और ये योजना को आगे जनता के अंत तक पहुंचाने के, लास्ट पर्सन इन द रो जो है उसको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैम, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आई और कार्यक्रम में आपने 4 चांद लगा दिए। थैंक यू सो मच। जी हाँ, जैसा कि आज के एक्सपर्ट ने आपको जानकारी दी है, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस योजना का पूरा पूरा लाभ उठाइए और स्वस्थ रहिए। हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा कि दूसरों को जरूर बताइएगा, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा। और इसी कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, अर्थात सभी लोग सुखी हो, सभी लोग रोग मुक्त हो। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।